इससे पहले कि जाड़ों की सब्जियों का सीजन खत्म हो जाए, आज हम सब्जियों को भरकर स्प्रिंग रोल बनाते हैं। तो चलिए आइए आज हम स्पाइसी स्प्रिंग रोल बनाते हैं। जय हिंद, मैं संजना, संजनास ग्रिल एंड शेड से। सबसे पहले नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने हक्का नूडल्स लिया है, इसे हाफ बनाएंगे, इतना ही काफी है, आधा रख लेंगे। पानी भी बॉईल हो चुका है, नूडल्स को उबलते पानी में डाल देंगे और 2 से 3 मिनट इसे फुल फ्लेम में उबालेंगे। गैस ऑफ करेंगे और छन्नी में नूडल्स को छान लेंगे। ओवर कुक्ड को अवॉइड करने के लिए नॉर्मल पानी से इसे धो लेंगे। इसके बाद इसमें ऑयल डालेंगे ताकि नूडल्स खिला खिला रहे, स्टिकी ना हो। अच्छे से ऑयल को मिक्स कर लिया है। अब स्प्रिंग रोल के लिए मैदे का आटे को तैयार करेंगे। ये मैदा लगभग 250 ग्राम है। थोड़ा नमक, 2 बड़े चम्मच ऑयल, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि जिससे सारे मैदे में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मैदा पकड़ में आ जाए तो समझ लीजिए मैदा तैयार हो गया है। इसके बाद मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हल्के हाथों से सारे मैदे को समेटेंगे। बस उतना पानी डालो जितना सारा मैदा एक साथ इकट्ठा हो जाए और टाइट भी रहे। ध्यान रखें कि पानी धीरे धीरे और कम डालें ताकि मैदे का आटा ज्यादा गीला ना हो। इसका आटा टाइट ही रखेंगे, बस मैदे को मिक्स करके समेटना है। आटा तैयार हो गया है, किसी ढक्कन या कपड़े से इसे ढक देते हैं ताकि आटा सूखने ना पाए। आटे को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देते हैं, तब तक हम सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। पहले गाजर, बाहर का लेयर साफ करके इसे पतला पतला बारीक काट लेंगे, या फिर आप अपने पसंदानुसार भी काट सकते हैं। गाजर कट गए हैं, बीन्स और स्प्रिंग रोल को भी छोटा छोटा काट लेंगे। बीन्स का शेप थोड़ा स्लेंटिंग में काट रही हूँ, कुछ इस तरह से। बीन्स तैयार है, स्प्रिंग अनियन, चॉपिंग हो गई है। पैन में ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल को थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है ताकि तेल का स्मेल आए। सारी सब्जियां मीडियम फ्लेम में सॉटे करेंगे। नमक, थोड़ी हरी मिर्च। इसमें सारी सब्जियां इस तरह से हैं जो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है और क्रंची सब्जियां खाने में टेस्टी भी लगती हैं। सोया सॉस, टमाटर सॉस, रेड चिली सॉस मिक्स करेंगे। बॉयल नूडल्स को डालेंगे और हाई फ्लेम में इसे सॉटे करेंगे। स्प्रिंग रोल आप नूडल्स के बगैर भी बना सकते हैं, अपने पसंदानुसार ढेर सारी वेजिटेबल, चीज या पनीर को डाल सकते हैं। अच्छे से नूडल्स और सब्जियां मिक्स हो गई हैं, स्विच टर्न ऑफ कर देंगे। थोड़े मैदे में पानी डालकर स्लरी तैयार कर लेंगे। चलिए आटा देखते हैं, जिसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था। रेस्ट करने से आटे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, टाइट भी हुआ है, देखिए। थोड़े आटे का पोर्शन लेके पेड़े बना लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। कुकिंग एक कला है, आप इसमें और भी चीज ऐड करके अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा सकते हैं। और सूखे मैदे की सहायता से गोल गोल चपाती बना लेते हैं। चपाती ना अधिक मोटी हो और ना ही अधिक पतली। चपाती के साइज के अकॉर्डिंग नूडल्स को बीचों बीच रखेंगे और चारों तरफ स्लरी लगाकर दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से।
अगर आपको साइज थोड़ा छोटा बनाना है तो नूडल्स को कम डालेंगे। ऊपर से भी सेलरी लगाएंगे। सब्जियों को एडजस्ट करते हुए इसे रोल करेंगे। एक बार फिर से बनाकर दिखाती हूं। रोल बनके तैयार हो गए हैं। ऑयल को गर्म करने रख देंगे। लो फ्लेम में तेल गर्म हो रहा है, इसे चेक करेंगे। छोटा सा आटे का टुकड़ा इसमें डालेंगे। टुकड़े के चारों तरफ से बबल्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए तेल तैयार है। तेल में धीरे धीरे सारे रोल्स डाल देंगे और थोड़ा सेट होने पर हल्के हाथों से करछी से रोल को एडजस्ट करेंगे। जब एक साइड से रोल गोल्डन ब्राउन हो जाए तो धीरे से करछी की सहायता से इसे पलटाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि तेल को हम ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, अदरवाइज मैदा ऊपर से ब्राउन दिखेगा मगर अंदर से कच्चा रहेगा। तो लीजिए प्यारा सा गोल्डन कलर, बच्चों का फेवरेट स्नैक्स स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। इतना नूडल्स बचा है, या तो आप इसे ऐसे ही ले सकते हैं या फिर फ्रिज में रख के नेक्स्ट टाइम स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। वैसे तो सारे सॉस बहुत टेस्टी होते हैं लेकिन स्प्रिंग रोल के साथ टमाटर सॉस बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।